यूपी में एक बार फिर से बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग में जूते और मोजे बांटने के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। एक बड़ा खेल खेला गया। दरअसल सैंपल बढ़िया दिखाए गए, बहुत शानदार दिखाए गए सैंपल, लेकिन सप्लाई में जो जूते दिए गए वो बेहद घटिया निकले। यानी कि जो दिखा वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब वो मिला तो वो बड़ा घटिया निकला। जिसके बाद मैनपुरी डीएम की शिकायत पर शासन ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने फर्म पर FIR करवाने के साथ साथ उसे काली सूची में ब्लैक लिस्ट करने की अनुमति भी दे दी है और 260 करोड़ प्रदेश के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राओं को ये जूते और मोजे बांटे गए हैं। अब अगर हम बात करें तो सिर्फ मैनपुरी में करीब 1,38,000 छात्र छात्राओं को ये जूते और मोजे बांटे गए। जिस फर्म ने मैनपुरी में घटिया जूते मोजे बांटे उसी के पास प्रदेश की सबसे ज़्यादा सप्लाई भी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, उस फर्म के पास सबसे ज़्यादा सप्लाई करने की राइट्स हैं जिसने मैनपुरी में ये जो जूते भेजे हैं, जिसमें जब सैंपल दिखाए गए थे तो सैंपल में क्वालिटी गुणवत्ता वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी, लेकिन जब वही जूते और मोजे छात्रों के पास पहुंचे, उनको बांटे गए, तो बेहद घटिया क्वालिटी के निकले। और इसी खबर पर शैलेश अरोड़ो हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, कैसे पूरा आपका पूरा घोटाला सामने आया, मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि सैंपल बढ़िया थे तो जूते घटिया कैसे निकले और कैसे ये बात सामने निकल कर आई? देखिए राजीव, ये जो जूते मोजे की सप्लाई है, योगी सरकार जब आई थी तब 2017 में पहली बार ये घोषणा की गई थी कि अब सभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के छात्र छात्राओं को निशुल्क जूते मोजे बांटे जाएंगे। और इसी के तहत ये तीसरा साल है जबकि उनको जूते मोजे बांटने का काम किया गया है। लेकिन विवादों का ये पहला साल नहीं है। इससे पहले जब 2017 में जूते मोजे बांटे गए थे तब भी वो विवादों में आए थे और मामला इतना बढ़ा कि हाईकोर्ट तक पहुँच गया था। वजह थी कि जो छात्राओं को जूते मोजे बांटे गए थे 2017 में, वो 2 से 2.5 महीने के अंदर ही दम तोड़ने लगे थे, फट गए थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच जाता है। इस साल जो हालात हैं, अभी 1.5-2 महीने का ही समय बीता है। जो छात्र छात्राओं को जब जूते बांटने का समय आया तो जिलों में सबसे पहले जो फर्म थी उन्होंने सप्लाई की। मैनपुरी से ये मामला खुलना शुरू हुआ। मैनपुरी में जब जूते की सप्लाई पहुंची और जो उन लोगों को बेसिक शिक्षा निदेशालय से वहाँ के BSA ऑफिस को सैंपल दिए गए थे उनसे मिलान किया गया जो सप्लाई के लिए जूते आ रहे थे, सामने आते ही ये देखा गया कि जो सोल जो डिज़ाइन निदेशालय में दिया गया था वहां पर सप्लाई के समय जो दिया गया जूता वो उससे अलग क्वालिटी का था। सोल जो थे वो हल्के थे और प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि वो उनकी क्वालिटी हल्की है। इसे लेकर जो संबंधित फर्म थी वहां BSA ने पत्र लिखा लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद DM ने सख्ती की और आखिरकार मैनपुरी के BSA और DM ने इसकी शिकायत शासन में की। इसके बाद शासन की तरफ से यहाँ पर अब निर्देश दिए गए हैं DM को कि जो संबंधित फर्म है अगर ज़रूरत लगती है तो उसको काली सूची में डालें, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। सूत्रों की माने तो इसमें एक बड़ी बात यह भी निकल कर अभी सामने आ रही है कि इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस पूरे मामले को दबाना चाहते थे। ऐसे लोगों से भी स्पष्टीकरण तलब करने की बात फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि कौन सी फर्म है, क्या मैं आपसे फर्म का नाम भी जानना चाहूंगा कि वो कौन सी फर्म है जिसको अब ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है अगर वो जो क्वालिटी युक्त जो गुणवत्ता परक जो जूते हैं मोजे जो मिलने चाहिए थे वो उसने नहीं दिए, वो कौन सी फर्म है? देखिए हरियाणा की फर्म है, मंजीत प्लास्टिक नाम की एक फर्म है ये हरियाणा की, जिसके पास सप्लाई है और क्योंकि टेंडर के समय इसने सबसे कम कीमत कोट की थी जूते मोजे की, इस वजह से इसके पास सबसे ज़्यादा जूते सप्लाई करने का इसको ऑर्डर दिया जाता है। महज 93.70 रुपये एक जूते के जोड़े की कीमत आती है जिस पर ये सप्लाई करते हैं। पिछले 2 साल से अगर देखें तो बेसिक शिक्षा विभाग लगातार ये कह रहा था कि हम लोगों ने इस बार बहुत ही कम दर पर जूते की सप्लाई ली है, टेंडर कराया है। पिछले सालों से अगर मिलाया जाए, क्योंकि पिछले सालों में यही टेंडर एक जोड़ी जूता 125 रुपये से ऊपर होता था और इसके बाद जिस रेट को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग अपनी पीठ थपथपाते नहीं रुक रहा था, अब उन जूतों के क्या हालात हैं वो भी सामने आने लगे हैं।
क्वालिटी हल्की है। और एक चीज़ और निकल कर आ रही है राजीव, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को भी कि फिलहाल ऐसी ही शिकायतें कासगंज, एटा, इन जिलों से भी सामने आने की बात फिलहाल खुल रही है धीरे धीरे करके। और अगर पूरी सप्लाई की बात की जाए तो जिस फर्म के जूते मैनपुरी में गड़बड़ पाए गए हैं वही फर्म कासगंज और एटा में भी सप्लाई उसकी रही है, यानी कि ज्यादातर जिलों में वही फर्म सप्लाई कर रही है जिसने मैनपुरी में ये जूते और मोजे सप्लाई किए और वो अब खराब निकल रहे हैं। बहरहाल शैलेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।